हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ लिविंग इन अ टेंट कैंप फॉर 24 आवर्स चैलेंज। और मैं कोई ऐसे वैसे प्लेस पे कैंपिंग के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ लोनावला। ऐसे बारिश में आप लोनावला नहीं गए तो क्या ही किया। आप लोग को पता है लास्ट ईयर भी इसी मंथ में मैं लोनावला गई थी, तब मैं विला में स्टे की थी और तभी भी मैंने बहुत सारे व्लॉग्स मेरे ही चैनल पे डाले थे। अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, तो वो वीडियोस भी जाके जरूर देखना। मैं टेंट कैंपिंग फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ तो डिफिकल्ट तो होने वाला है यार ये चैलेंज, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आज कहाँ पे जा रही हूँ ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर उस जगह पे पहुंचना कैसा है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, फूड एंड अदर एक्टिविटीज वहाँ पे इंक्लूडेड है या नहीं, प्राइस क्या होगी, ये सब कुछ मैं आज इस व्लॉग में डिटेल में बताने वाली हूँ। बेसिकली मैं अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मैं तो फुल बैग पैक करके रेडी हो चुकी हूँ, सो लेट्स गो नाउ। सबसे पहले मैं गई हूँ मीरा रोड स्टेशन सुबह के 5:30 बजे और फिर यहाँ से मैंने टिकट बुक की मीरा रोड टू पनवेल की, एंड देन फिर सबसे पहले मैं पहुंच गई हूँ गोरेगांव स्टेशन, क्योंकि ना वैसे तो देखोगे तो पनवेल जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है बट मोस्टली 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, बट अगर आप गोरेगांव से जाओगे तो वहां से एक पर डायरेक्ट पनवेल स्लो मिल जाएगी। ठीक है, टाइम लेती है वो, पर 3 चेंज करने से तो बेटर है, और वो ट्रेन हम लोग को सुबह सुबह थी तो खाली भी मिली। हम पहुंचे खांदेश्वर स्टेशन जो पनवेल से एक स्टॉप पहले आता है अब यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमारी कैब भी यहीं से आने वाली थी टू पिक अस। फिर हम लोग बैठ के आगे निकल चुके थे एंड हम लोग सीधा पहुंच गए डायरेक्ट लोनावला। तो आपको बता दूं ऑलमोस्ट 1 आवर दिखा रहा था स्टेशन से, पर हम समवट 1 आवर 30 मिनट्स में पहुंचे क्योंकि आगे जाके बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिली। और फिर फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ विला के पास। ये विला के यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि मेरा कोलैबोरेशन शूट था यहाँ पे, इसका नाम है ब्लूबेल विला। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोग ने उसकी रील जरूर देखी होगी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड बजट फ्रेंडली विला है। सारी डिटेल मैंने उस रील में डाली है, अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना और हाँ फॉलो भी कर देना यार। यहाँ से शूट कम्प्लीट करते करते दोपहर का वक्त हो गया था और लंच टाइम था, हमें बहुत भूख लगी थी। फिर रास्ते में हमें दिखा ये रेस्टोरेंट फैमिली कट्टा, वहाँ पे हमने खाया चिकन क्रिस्पी, बटर चिकन, चिकन मसाला, चपाती और भाकरी दोनों भी लिए थे एंड बिरयानी भी थी। देखो गाइस, ये शूट श्रावण से पहले हुआ था इसलिए नॉनवेज आइटम्स भी दिख रही है आपको, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो अपलोड करने में डिले हुआ, बट हाँ यहाँ पे खाना तो काफी ज्यादा टेस्टी था। इसके बाद हम लोग निकल गए हमारे टेंट कैंपिंग की तरफ, लेकिन उसके पहले आता है ये ब्रिज लोनावला का जो काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पे हर कोई आके रुकता है, जरूर रुकता है टू जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल व्यू, बहुत अमेजिंग लगता है बारिश में तो और ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लग रहा है ये व्यू कॉमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद भी हम लोग ने बहुत ज्यादा देर तक ट्रैवल किया क्योंकि जो लोकेशन था वो काफी काफी ज्यादा अंदर था, बट या फाइनली हम लोग हमारे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुंच गए। ओ माई गॉड, बारिश में यहाँ पे वेदर कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो गाइस आज मैं आप लोग को लेके आई हूँ हकुना माताता, ऐसा टेंट कैंप साइट है जहाँ पे आपको एक अमेजिंग स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा। भाई मजा आया। एंड सबसे अच्छा और बेस्ट व्यू अगर मुझे यहाँ पे कुछ लगा तो वो था ये पावना लेक। ओ माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था यार, और ये क्लाइमेट भी वाव अमेजिंग हो गया था। ज्यादा बारिश की वजह से आगे जाना अलाउड नहीं था और एकदम इसके नियर बाय ही टेंट कैंप लगते हैं, पर क्योंकि बारिश है बारिश में रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए उन्होंने टेंट कैंप एक छत के अंदर बनाए थे जो आप अभी देख रहे हो, सो दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ रेन एट ऑल। समझ रहे हो ना? तो अच्छा लगा मुझे ये चीज, बट आई नो कि टेंट कैंप अगर बाहर हो तो ज्यादा मजा आती है। चलो इस बात से मुझे ये तो चीज समझ में आ गई कि टेंट कैंपिंग हमें ठंडी के मंथ में ही करने चाहिए, वो ज्यादा बेटर है रेदर देन इन बारिश। यहाँ पे आप क्या क्या इंक्लूडेड है आपके पैकेज में मैं ये बताने वाली हूँ, बट हाँ प्राइस तो मैं आप लोगों को एंड में ही बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी तक आपने देखा कि पावना लेक साइड व्यू और पूल जहाँ पे आप जाके आराम से सुकून से एंजॉय कर सकते हो और फोटो वीडियोज भी ले सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे उनके पास इंडोर एंड आउटडोर गेम्स भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कि आर्चरी, कैरम, लूडो, बैडमिंटन। तो हम फिलहाल तो यहाँ पे कुछ टाइम तक लूडो एंजॉय किए एंड शाम को हमारा स्नैक
स्नैक्स रेडी हो गया था, जहाँ पे हमें मिला टी और कॉफी दोनों भी था, एंड ये मिसल पाव, ओ माय गॉड, दैट वाज सो यमी एंड टेस्टी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड ये सब अनलिमिटेड था यार, खाओ जितना खाना है, पेट भर के, मन भर के, ऐसे बारिश के मौसम में ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय करते करते एक कड़क कॉफी पीनी तो बनती है ना। फिर हम चले गए पूल में एंजॉय करने को, इतना ठंडा पानी था ना, ओ माई गॉड सच में, बट फिर भी बहुत मजा आया, यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय किया। फिर मैं जाके चेंज करके आई, और चलो अभी मैं आप लोगों को मेरा वाला टेंट दिखा देती हूँ। ये चेन ओपन करके आप अंदर बाहर कर सकते हो, और अंदर कुछ ऐसा था, यहाँ पे ना एक मैट्रेसेस था विद टू पिलोस, और अंदर से ये इतना बड़ा तो नहीं था, पर हाँ मेरी हाइट जितना ही था, तो मेरे लिए तो कम्फर्टेबल लग रहा था मुझे भी। यहाँ पे हमारा स्टार्टर बन रहा है बारबेक्यू चिकन, तब तक मैं मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम के साथ हम मिलके कैरम खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे बहुत। फिर उसके बाद खेलते खेलते ऑलमोस्ट रात हो गई। अभी मैं आप लोगों को बाहर का नाइट व्यू दिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं दिख रहा था यार, बहुत अंधेरा हो चुका था। फिर से हमने कुछ गेम्स खेले आर्चरी, एंड खेलते खेलते फिर फाइनली हमारा जो स्टार्टर है वो रेडी हो चुका था। यहाँ पे स्टार्टर में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, नॉन वेज में चिकन बारबेक्यू और वेज में पनीर बारबेक्यू। ऑनेस्टली बता रही हूँ अच्छा था, बट उतना अच्छा नहीं था ये टेस्ट में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग और ज्यादा अच्छा हो सकता था। फिर अब चालू हुआ डीजे नाइट, बहुत देर तक डांस करके एंजॉय किया, बट ये सब कुछ शूट नहीं हो पाया क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो गया यार, कोई नहीं। बट उसके बाद हमारा डिनर टाइम स्टार्ट हो गया, और डिनर में था ये सुखा चिकन, चिकन ग्रेवी, चपाती, राइस, सलाद और स्वीट में जलेबी। डिनर में भी आप लोग को दो ऑप्शन मिल जाएंगे नॉन वेज एंड वेज के, तो वेज में आप लोग को मिलता है पनीर की भाजी, चपाती, दाल, राइस, जलेबी एंड सलाद। इसकी बात करूँ तो मुझे ये चिकन सुखा बहुत अच्छा लगा, बट ग्रेवी इतनी कुछ खास नहीं लगी, बट हाँ ओवरऑल ही डिनर वॉज गुड। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है ये लाइव म्यूजिक, वाओ इतना अच्छा आवाज आना इसका कि फिर एकदम अच्छी सुकून वाली नींद आई, एंड देन फिर सुबह हो गई। ये रहा सुबह का अमेजिंग सा व्यू। वही मॉर्निंग में हम लोगों को मिला ये टी एंड कॉफी एंड ऑल्सो ब्रेकफास्ट था, बट हम नहीं रुके क्योंकि अगर रुकते तो लेट होता, और लेट होता तो ट्रैफिक हो जाते क्योंकि संडे था, इसलिए हम सीधा सीधा कैब बुक करके डायरेक्ट घर के लिए निकल गए। That's all for today. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी, तो यहाँ पे आप टेंट कैंपिंग एंजॉय कर सकते हो फॉर 24 आवर्स इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स जो भी मैंने आप लोगों को बताई, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज पर पर्सन में, है ना अमेजिंग। तो वेट किस बात का कर रहे हो यार, अभी के अभी ये वीडियो को सेव करो, शेयर करो और जल्दी जाके विजिट करो। और हाँ अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट पे आके जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे और भी कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।